अखर फक्कर लाल बुझक्कर, अखर फक्कर लाल बुझक्कर, कोई नहीं से लेता टक्कर, जो भी आया लौटा मुंह गिरा के। देखो सुनो ये कहानी गोनू झा की, देखो सुनो ये कहानी गोनू झा की। दरभंगा दरबार की रौनक हरी उलझन सुलझाते झटपट, उलझन भी भागे घबरा के। देखो सुनो ये कहानी गोनू झा की, देखो सुनो ये कहानी गोनू झा की। बच्चों नमस्कार, फिर से नील पतंग भैया तुम्हारे सामने है गोनू झा की एक रोचक कथा के साथ। गोनू झा की रोचक कथा तो मैं सुनाता ही हूँ, और तुम्हें कभी कभी मैं पारंपरिक चिकित्सा की बात करता हूँ, परंपरा से जोड़ने की बात करता हूँ, पारंपरिक गीत नृत्य नाटक और भी कई तरह के चाहिए, मेरा मूल विषय है परंपरा। तो चलो आज मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ भांग का नशा। मिथिला में भांग खाने की बड़ी परंपरा रही। एक दिन गोनू झा रात में टकते टूकते आए और पंडितायन से कहा कि देखो आज हमारे मित्र मिल गए थे, उन्होंने बहुत अधिक भांग पिला दिया, मैं काफी नशे में हूं। तो कहा कि भाई आप तो बार बार ऐसा करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं। कहा कि एक काम करो कि मेरा खटिया आंगन में लगा दो। तो बेचारी लगा दिया, बहस करना बेकार था, आंगन में खटिया लगा दिया। गोनू झा खटिया को खींच के तुलसी चौड़ा के तरफ ले गए, तुलसी जहां तुलसी बहुत ज्यादा तुलसी लगा हुआ था उसका जंगल था, खींच के ले गए और वहीं लेट गए। और कुछ देर के बाद वो थू थू करने लगे, वो थूक खैनी खाए तो खैनी लटा के, खैनी खाने के बाद उसका थूक फेंकने लगे वो तुलसी के तरफ। पंडिताइन आई, अरे रे 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 पंडित जी ये क्या कर रहे हैं, तुलसी जैसी पवित्र चीज की तरफ थू थू कर रहे हैं, आपको पता है कि वो कितना बड़ा बड़ा पाप होगा आपको, और इधर तो कीड़े मकोड़े भी होते हैं, आप कहाँ खींच के ले आए। कहा कि देखो कीड़ा मकोड़ा को भी तो सिखाना है कि गोनू झा क्या है। तो चलो ठीक है, पंडिताइन बुझी कि ये बहुत नशा है, इनमें बहस करना बेकार है, नींबू दही इसे पिला पिला के थक गई, उनका नशा नहीं उतरा। तो गांव वाले भी आ गए उनका नशा उतारने के लिए, और फिर सब उनके सिर पर ठंडा पानी उछलने लगे। ठंडा झारा का दिन था, ठंडा पानी उछलने लगे जब गोनू झा बहुत ठंडक लगी उनको। तो कहा देखिए मुझे तो आपने नहा ही दिया, अब और कहा कि नहीं आप प्रायश्चित करना होगा, अब आपको कहा कि जब नहा दिया तो प्रायश्चित भी अभी ये कर लेते हैं। और एक भरी बाल्टी जो पानी थी उसको उठाया और तुलसी चौड़ा के बगल में जो वो तुलसी का झांटा था उस पर उछल दिया, फड़फड़ा के एक आदमी निकला। अरे वो अयोध्या चोर था, चोर का सरदार था, कहां चोर के खड़ा हुआ कि महाराज गलती हो गई। कहा रे तुमको तो मैं पहले ही देख रहा था, ये भांग के नशा का तो नाटक कर रहा था। तो लोग उसको पकड़ के काफी धुनाई हुई और फिर उसको सजा भी मिली। और इस तरह से गांव के लोगों ने समझा कि इनका भांग का नशा भी इनकी एक चतुराई ही थी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस भांग के नशा कहानी को समाप्त करता हूं। तुम्हें जरूर अच्छा लगा होगा बच्चों, अच्छा लगा ना, लाइक करो शेयर करो, और पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी करो। धन्यवाद। <दन्ने वाला। laughs>